वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं RIT चैनल। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मल्टी करेंसी क्या है, क्योंकि मल्टी करेंसी का यूज बहुत ही कम स्टूडेंट्स जानते हैं। मल्टी करेंसी के द्वारा हम लोग अपने कंपनी में एक साथ कई करेंसी में काम कर सकते हैं। अगर हमारा काम जैसे कि होटल का है और हम होटल में काम करते हैं और वहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे फॉरनर्स आते हैं, वो अपनी करेंसी हमें देते हैं, तो उस जगह पे हम होटल में काम कर सकते हैं। ये हमारे पास करेंसी एक्सचेंज करने का भी काम है, तो उस जगह पे भी हमें टैली में मल्टी करेंसी का फीचर यूज किया जा सकता है। मल्टी करेंसी एक ऐसा फीचर है जहाँ पे हम लोग टैली की मदद से अपने काम को काफी आसान कर सकते हैं। तो करेंसी का काम कैसे करेंगे टैली में, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। टैली के अंतर्गत टैली में सबसे पहला काम आपको क्या है कि आप लोग टैली को ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद में आपको अपने कंपनी के अंदर F11 करना है, F1 करना है, और इसमें इनेबल मल्टी करेंसी फीचर को यस करना है। इसे एक्सेप्ट कर लीजिए आप लोग। एक्सेप्ट करने के बाद में आप मेन स्क्रीन पे आ जाओगे, जहां पे आपको मिलेगा अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो के अंदर आप जाएंगे करेंसीज के अंतर्गत, करेंसी भी मिलेगा आपको क्रिएट। तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सिंबल का नाम आप टाइप करिए, यहाँ पे सिंबल का नाम टाइप कर दीजिए। बाकी नीचे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं करना है, ऐसे रखना है इसको। अब आप करेंगे रेट, इसका डालेंगे कि रेट क्या रहेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज में जाएंगे और यहाँ पे हम सेलिंग और परचेजिंग रेट इनपुट करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट भी दिया हुआ है, आप चाहें तो जो करंट रेट है वो भी भर सकते हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। किस डेट से अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ ध्यान रखना है। सेलिंग एंड परचेजिंग रेट आपको यहाँ पे इनपुट करना है। तो स्टैंडर्ड रेट आप छोड़ दीजिएगा, स्टैंडर्ड रेट की कोई जरूरत नहीं है, आप सेलिंग और परचेजिंग रेट भरिए यहाँ पे। सेलिंग रेट मतलब जब आप सेल वाउचर में एंट्री कर रहे होंगे तो आपको आएगा, और परचेजिंग मतलब परचेज वाउचर में जब एंट्री कर रहे होंगे तो परचेज वाला वर्क करेगा। अब इसको आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और आप परचेज या सेल वाउचर में जाकर के एंट्री करना शुरू करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे परचेज वाउचर पे, और यहाँ पे एंट्री जैसे बाकी आप नॉर्मल कर चुके हो पहले जैसे, वैसे ही करनी है। यहाँ पे कोई विशेष आपको यहाँ पे एंट्री में नहीं ध्यान रखना है। आइटम सेलेक्ट करेंगे, आइटम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी आपको नॉर्मली भरनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये, क्वांटिटी के बाद जो रेट है, रेट का कॉलम इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। रेट आप यहाँ पे प्रॉपरली समझ करके भरना है, और रेट के बाद में डॉलर लगाना है। तो ये डॉलर लगाना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डॉलर लगाना है। जो यहाँ पे हमें 100 लिखा है उसके लास्ट में डॉलर लगाया है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट यहाँ पे दे दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने डाला है 5 पीस $100, मतलब ये हो गया $500। $500 को 4 रुपए पर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका ₹20,000 टोटल। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही आपको परचेज का बिल जनरेट हुआ है, सेम आज ऐसे ही आपको सेल में भी बिल जनरेट करना है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए अभी, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए। सेम आज ऐसे आप यहाँ पे सेल वाउचर में भी एंट्री करेंगे, सेल वाउचर में आ चुका हूँ मैं, एफिलिएट करके आप लोग आइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप वैसे डिटेल भरिए जैसा कि हमने डिटेल वहां पे बना था। यहाँ पे क्वांटिटी रेट बनना है, यहाँ पे डॉलर सिंबल के साथ में आपको, तो ये भी कन्वर्ट कर देगा पूरा बकायदा आराम से। तो ये इस तरीके से यहाँ देखिए ₹50 हमने यहाँ पे सेलिंग में डाला है, तो अब ये कुल मिला करके ₹50 में कन्वर्ट भी किया है,
$300 को इसने 50 से इंटू कर दिया तो 15,000 हो गया जो है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे सेल और परचेज बाउचर की एंट्री हुई, और इस तरीके से हम यहाँ पे सेल और परचेज में मल्टी करेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए ताकि वह भी इस फीचर का यूज करना सही से समझ सके। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।